महल मना रे, लाख बना ले महल मना रे, लाख बना ले दिल न बसा तो क्या, इश्क ता बंदे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे जीद करा दे यार मेरा साया, नांझण मेरा माही मेरा ढोल मेरा साया। आपने हमारे खिलाफ उसकी दरखास्त कबूल कर ली। किसी को दरखास्त देने से नहीं रोका जा सकता मैडम। तो फाड़ कर फेंक दीजिए दरखास्त, ये तो आपके हाथ में है। नहीं, मगर इसमें गलत क्या है? सेक्रेटरी तो हर कोई रखता है अपने काम की जगह पर। लेकिन उससे सेक्रेटरी मुनज़्ज़म तो रखा। खामोश, छोटी मलकन का नाम अपनी जबान पर मत लाना। अभी ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तो एक झलक है। खाली है मायूं सर, ये तो रफत भाभी की गाड़ी है सर। आई एम सॉरी, लेकिन उन्हें अगवा कर लिया क्या? मुझे लगता है मैंने आपसे कहा था ना कि वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। अगर आप उसी वक्त सर, मैं वारदात के होने से पहले कार्रवाई कैसे कर सकता था? और आपको पता है मैंने इंक्वायरी किया तो मैं इस गाड़ी तक पहुंचे सर। मायूं, जिस बात का डर था वही हो गया ना। आज उनकी कोर्ट में पेशी थी, वहां उनका पहुंचना बहुत जरूरी था, इसीलिए उन्हें अगवा किया गया। एक मिनट। हेलो जी वकील साहब। अरे साहब, मैं अपने अपने चैम्बर में मैडम का वेट कर रहा हूँ, उनका नंबर ऑफ मिल रहा है। मैडम कहाँ है? वकील साहब एक बहुत बुरी खबर है, रफत भाभी को अगवा कर लिया गया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? इस वक्त जय वारदात पर मौजूद हूँ, ASP हुमायूं भी मेरे साथ है। आप एक काम कीजिए, आप अदालत को भाभी के अगवा के बारे में बता दीजिए प्लीज। ओके, मैं कोशिश करता हूं कि कोर्ट को हैंडल कर लूं। डोंट वरी सर, उन्हें बाजी आप कर लेंगे सर। इसका मतलब है हुमायूं के भाभी की जिंदगी को खतरा है। तुम ऐसा करो, ज़ेबे नुसरा के पास जाओ, मुझे लगता है कि ये उसी की कार्रवाई है। सर ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे DIG साहब से बात करनी होगी। तो बात करो ना, इंतजार क्यों कर रहे हो? सर मैं इस तरह फोन पे बात नहीं कर सकता, उनके पास जाना पड़ेगा मुझे, डायरेक्टली बात जाके बात करनी पड़ेगी। चाहिए ना, बात कीजिए, इंतजार क्यों कर रहे हैं? फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। यस सर। कोई मेरी आवाज सुन सकता है? मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो। शोर मत करो, यहां तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कौन हो तुम? जवाब तो कौन हो तुम? खादिम है तुम्हारे। मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? क्यों अगवा किया मुझे? अगवा? तौबा करो बीबी, मेहमान है आप हमारी। बकवास मत करो, मुझे बताओ क्या चाहते हो, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पे? मैंने आपसे क्या जाना, आप हमारी मालकिन की मेहमान है, उन्हें पता होगा। मुझे पता था कि घटिया हरकत होने की होगी। जब पता है तो आराम से बैठो, शोर मत करो और इंतजार करो फैसले का। फैसला? कौन सा फैसला? यही कि तुम्हें रिहा करना है या मार देना है। और वो कर भी क्या सकती है? जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में, तुम्हारी मालकिन के हाथ में नहीं है।
पहले भी ये कोशिशें कर चुकी है, मगर क्या उनका अपना बेटा मारा गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वो मारी जाए। बस करो रिफत बीबी, रहम करो खुद पर, दुआ करो कि मालकन को तुम पर रहम आ जाए। और हां, अपने नाजुक हाथों को दोबारा तकलीफ मत देना, ये दरवाजा टूटने वाला नहीं है। खामोश होके बैठी रहो अभी। आप यहां? लगता है मेरा यहां आपको अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपने आने का बताया नहीं था। मुझे देख के तो आप ऐसे चौंकी हैं जैसे किसी की मुंतजर हो। मैं किसकी मुंतजर होंगी, और वैसे भी यहाँ कौन सकता है सिवाय गुल बाबा के। यही कहीं है गुल बाबा, आप तो फैक्ट्री होते हैं ना इस वक्त। एक मीटिंग पे जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। मुझे उम्मीद थी कि आप एटलीस्ट सॉरी करेंगे मुझे, लेकिन आपने तो मुझे कॉल तक नहीं की। तो गलती आप करें और माफी मैं मांगू। तुम्हें इस चीज का एहसास है कि तुमने अपने होने वाले शौहर पे हाथ उठाया? इब्तदा आपने की थी, मुझे अफसोस है कि मैंने आप पर हाथ उठाया, लेकिन उससे ज्यादा इस बात का दुख है कि आपने बदतमीजी की। माफी आपको मांगनी चाहिए। I'm sorry. मेरी गलती थी। मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नजा कैसी है? ठीक ही होगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप उससे मिलते नहीं, हालांकि वो आपकी सेक्रेटरी है। हमारी बात सिर्फ काम की हद तक होती है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो उससे पूछ सकती हो जाके। मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ना ही फिक्र। वैसे भी नजा आजकल काफी बिजी है, बहुत कम आती है। आबिद खान जी, आप यहाँ कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। गुल बाबा, आपने इतनी देर लगा दी, कहाँ थे आप? वो छुट्टी मलकन बाग का ठेकेदार आ गया था, उसके साथ थोड़ा टाइम लग गया। अभी हम चलें? जी। अच्छा, मुझे अब जाना होगा। याद आपके खिलाफ है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अम्मा जानी ने हिदायत की थी कि जल्दी आ जाना, वो आजकल खाना मेरे बगैर नहीं खाते। आप चाहें तो हवेली चल सकते हैं। मेरा आज लंच है, कई बार आप चाहें
क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। कैसे हुआ ये सब? किससे झगड़ा हुआ है? कौन थे वो लोग? ओहो, तुम तो जरा सब्र कर जाओ। तुम तो खामोश हो। तुम्हारे बेटे को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, और तुम मुझे रात से खामोश रहने का कह रही हो? बोलो कौन थे वो? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। ऐसा क्या किया था तुमने? चोरी की थी या डाका डालने घुसे थे किसी के घर में? क्या हो गया तुम्हें? ये हमारा बेटा है, ऐसा कोई गलत काम कर सकता है भला? कुछ गलत किया है तो ये अशर हुआ है ना इसका, वरना किसी का दिमाग खराब नहीं है कि इसको अगवा करे। पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सब कुछ किसी गलत फहमी की वजह से हुआ। आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है, कोई घटिया और गलत काम नहीं कर सकता। क्या तुम्हें अपने खून पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है, बात गैरत की है। पता चल जाए कौन थे वो लोग, हाथ पांव तोड़ दिए तो सलामत यूसुफ जई नाम नहीं है मेरा। अब्बा मैं भी यूसुफ जई और आपका बेटा, अपना बदला मैं उनसे खुद लूंगा, आप फिक्र मत करें। ज्यादा बातें मत कर बेटा, पहले ही तकलीफ में है तू। और तुम भी जाओ जाके आराम करो, रात भर से जाग रहे हो। मायू सर, आई कांट अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब ये पता चल चुका है कि अगवा किसने किया है तो फिर FIR नामालूम अफराद के खिलाफ क्यों कटेगी? सर आप मैडम ज़ेबुन्निसा को अच्छी तरह जानते हैं, 18 साल पहले आप उन्हें फेस कर चुके हैं, आपको पता है कि वो कितने असर रसूख वाली औरत है। बगैर किसी ठोस सबूत के उनके अगेंस्ट FIR दर्ज नहीं की जा सकती। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर नाम शामिल ना किया गया ना तो मैं कोर्ट चला जाऊँ। सर आप तशरीफ तो रखें। थैंक यू। देखिए कोर्ट से अगर कोई ऑर्डर आएगा तो मैं एक लम्हा भी वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फौरी तौर पर एक्शन लूंगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि हम उनके अगेंस्ट कुछ सबूत हासिल कर लें पहले। गाड़ी से मिलने वाले जो फिंगरप्रिंट्स हमने नादरा को भेज दिए हैं, अगर अगवाकार पकड़े गए तो मैडम पर हाथ डालना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है भाभी की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए सर, अगर उन्होंने MSS रिफत को मरवाना होता तो उस वक्त मरवा चुके होते, अगवा ना करते। मुझे लगता है सिर्फ ये केस को बंद करवाने के लिए उन्हें अगवा किया गया था। बात में वजन है, लेकिन ये DIG ज़ेबुन्निसा बेगम से इतना खौफजदा क्यों है? कम से कम उनसे बात तो करें। सर आप पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छी तरह जानते हैं, DIG साहब उनके खास आदमी हैं, पिछले 10 साल से सीट पर बैठे हैं, उन्हें कोई नहीं ला सका। ना जाने भाभी किस हाल में होंगी। फर्रुख 2 दफा मुझे कॉल कर चुका है, माँ से बात ना करने की वजह से बहुत परेशान हूँ। सर मेरा मशवरा है कि अभी आप फर्रुख को कुछ ना बताएं, हमने मुखबिरों का जाल फैला दिया है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आगे कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ
कि अगवा अगर सिर्फ इस मकसद के लिए किया गया था कि कोर्ट में पेशी ना हो तो वो काम तो हो चुका और कोर्ट ने अगली तारीख भी बहुत दिनों बाद की दी है, तो फिर तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। You're right, sir. Excuse me. Hello. Good job. That's very good news. Thank you. Thank you. क्या वो अगवाकारों का पता चल गया सर? Really? Yes, sir. Thank God. फौरी तौर पे इंटरोगेशन लॉन्च कराऊंगा। Okay. जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ है। हुक्म मालकिन। नाराज हैं, तकलीफ जो उठानी पड़ी है। बहुत जुल्म से लिए मैंने, मुझे बस अपनी बेटी वापस चाहिए। अगर बेटी देना होती तो फिर झगड़ा किस बात का था? वो मेरा खून है, वो मेरी बेटी है, मेरा हक है उस पर। भूल जाओ उसको, और मालकिन ने भी यही कहा है, और इस झगड़े को खत्म करो और छोड़ दो इस शहर को। रहम करो अपनी जान पर ताकि तुम्हारी जान बख्शी जाए। अगर मैंने ऐसा करना होता तो 18 साल के बाद मैं वापस लौटती। बहुत गलत किया रिफत बीबी, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? मालकिन का आर्डर है, वरना। वरना क्या, कत्ल करवा देंगी वो मुझे, जैसे अपने बेटे को मरवा दिया था। इंसानी लाशों पे तो कायम उनकी ये सल्तनत, और तुम जैसे लोग चंद पैसों के खातिर किराए के कातिल बन जाते हो, बेगुनाह और मासूम लोगों का खून बहाते हो, और जब उनके काम के नहीं रहते तो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हो। कभी सोचा है तुमने ये सब कुछ? कह देना अपनी मालकिन से जुल्म उत्ता करे जितना वो बर्दाश्त कर सकती है। एक मां से उसकी औलाद को छीनने का अंजाम बहुत बुरा होगा। डाले वो मेरी बंदुआ। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है खान जी। छोटी मालकन की वालिदा उनको लेने के लिए आ रही है, और बड़ी मालकन के सर पर तो खून सवार है। एक तरफ छोटे खान जी की इज्जत है और एक तरफ मालकन। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। बरसों नमक आया है इस खानदान का। आप मालिक हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप सेहतमंद होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। मालिकन कुछ भी सही, लेकिन है तो औरत जात ना। वो जब आपकी नहीं सुनती तो हम लोगों की क्या सुनेगी? पहले बेटा खो दिया, उसके बाद बहू के पीछे पड़ गए। उनको कैसे समझाएं कि वो उसकी मां है?
उसका बेटी पर हक है। वो कब तक दोनों माँ और बेटी के बीच में दीवार बन के खड़ी रहेंगी? घर के झगड़ों के फैसले घर नहीं कराते खान जी। इस खानदान के लोगों के बीच में कभी कोर्ट कचहरी नहीं हुआ, मगर आज आज खान जी अदालत में आपकी पगड़ी उछाली जा रही है। खान जी सलाम छुट्टी मालिक है ना, लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं बड़े खान जी से आपका ही जिक्र कर रहा था। दादू आप मेरे साथ चलेंगे? वो मलकन मैं लेके जाता हूँ। मैं ले जाऊंगी, मुझे दादू से कुछ जरूरी बातें करनी है। लेकिन छोटी मलकन, वो बड़ी मलकन नाराज हो जाएंगी। काश आपको अम्मा जाने के अलावा किसी और की नाराजगी का भी एहसास होता। चलें दादू। कंजीब तुम्हारा बेटा हद से ज्यादा आजाद हो गया है। कितनी बार मैंने समझाया है कि मुनज़्ज़ा के साथ यूं आजाद घूमेगा तो उसके लिए मसला खड़ा होगा, लेकिन आबिद खान के सर पे तो जवानी का भूत सवार है। सब करते हैं ऐसे काम, लेकिन ये काम शादी के बाद भी हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बेटे को बड़ा शौक है खुद के नहीं मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मारने। मैंने आबिद को समझा दिया था और उसने मेरे कहने में आकर मानूर से माफी भी मांग ली है। लेकिन अब आप एक काम करें, अपनी उस भतीजी को यह बात समझा दें कि आबिद उसका होने वाला शोहर है, कुछ ख्याल कर ले उसका। जब अपना ही दाम खोटा हो तो मैं किसी और से क्या शिकायत। अगर ऐसे हालात रहे तो सारी जिंदगी तुम्हारा बेटा मानूर से माफिया मांगता रहे। सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमदाद आए। भेजो। खैरियत थे? कोई खास काम है जो आपने मुंशी को बुलाया? उड़ती उड़ती कुछ खबरें सुनी थी, ड्यूटी लगाई थी मुंशी की, पता करे कि खबरें सच्ची हैं कि झूठी। कैसी खबरें? सुना है हाशिम खान की बेवा रिफत वापस आ गए। मगर ये आपको कैसे पता चला? फरजाना बेगम, वलीद खान अपनी आंखें और अपने कान खुले रखता है। आओ 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 इमदाद साहब। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कोई खास खबर लाया। बिल्कुल सरकार, सरकार आपने बिल्कुल ठीक सुना था। मरहूम छोटे सरकार की घरवाली ना सिर्फ वापस आई है बल्कि उसने मालकन पे केस भी कर दिया है। और मालकन ने उसे क्या क्या किया है बीजान ने उसके साथ? सरकार, हाशिम की घरवाली कई दिन से लापता है, लगता है उसे अगवा किया गया है। पुलिस का शक भी मालकन पे है। अच्छा, तुझे किसने बताया ये सब? सरकार, वो अपना बंदा है ना, एसएचओ कैसर अली, ये सारी बात उसी ने बताई है। देख लेना इमदाद, कैसर झूठ तो नहीं बोल रहा? ना सरकार, ना, वो हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, 100% सच बात है ये। और अब तो रपट भी कट गई है अगवा की।
अच्छा ठीक है तू जा, लेकिन अकाफ की नजर रखना पूरे मामले पे। चल शाबाश जा। बेहतर सरकार बेहतर। इतना कुछ हो गया लेकिन आपको खबर बाहर के लोगों से मिल रही है, ताज्जुब है। यही तो कमाल है बीजान का, घर के अंदर चाहे कयामत बर्पा हो जाए, बाहर किसी को भिड़क नहीं पड़ने देती। कब बात, कयामत तो हमारे लिए भी बर्पा हो सकती है। यूं इस तरह उस रिफत का मिल जाना कोई अच्छी खबर नहीं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन सास बहू की लड़ाई में फायदा आखिर में हमारा होगा, वली खान का। कैसे भला? आहिस्ता आहिस्ता ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, और यही वक्त है बीजान से अपनी बात मनवाने का। वाह, व्हाट अ मोमेंट। तक आया नहीं वो? जी मैं लेकिन आ रहा है वो। सलाम मालकिन। मुझे खुशी है सुल्तान कि तुमने बहुत होशियारी से काम किया। खादिम है मालकिन आपके। ये बताओ कि उस औरत को मेरी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं मालकिन, मैंने आपका पैगाम उसे दिया था लेकिन उसने केस वापस लेने से इनकार कर दिया। क्या उसे एहसास नहीं है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है? मालकिन वो जिद की बड़ी पक्की है और मेरा तजर्बा कहता है कि वो मर जाएगी लेकिन केस वापस नहीं लेगी। तो फिर अगर वो नहीं मानती तो मजबूरन मुझे उसका किस्सा खत्म करवाना होगा। लेकिन लेकिन बेगम साहब जो भी है हमारे छोटे खानजी की बीवी है, छोटे मालकिन की माँ है। रहीम गोल, तुम्हारी वजह से ये फसाद की जड़ अभी तक मौजूद है। 18 साल पहले अगर मैं इसका किस्सा खत्म कर देती तो इस वक्त चैन से उठती नहीं। ये तुम थे रहीम गुल, तुम जिसकी वजह से मैंने उसको उस वक्त छोड़ दिया था, वरना मैं उसका दुनिया के आखिरी कोने तक पीछा करती। उसने जान ली है मेरे बेटे की, कातिल है हाशिम खान की, और तुम उसकी हिमायत कर रहे हो? नहीं नहीं मालिक, मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं तो रहम की दरख्वास्त कर रहा हूं। आप मुझे एक मौका दे। कैसा मौका इनको? मालिकन मैं बेगम साहबा को समझाऊंगा कि वो छोटी मालिकन को भूल जाए और इधर से चली जाए। मुझे यकीन है वो मेरी बात मान जाएंगी। नहीं रहीम गुल, वो लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी। मैं ज्यादा दिन उसे रखने का खतरा मोल नहीं ले सकती, ना उसे जिंदा रखकर ना उसे आजाद छोड़कर। सुल्तान, उसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, वो अगर मेरी शरायत मानने को तैयार है तो ठीक है, वरना तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। मालिकन,
मालिकन मुझे एक मकान दे दे, मैं उनको समझाऊंगा मालिकन, एक मकान दे दे मालिकन। मालिकन एक चांस दे दें इसको, शायद इसकी बात मान जाए। मालिकन गुल, मैं रिफत बीबी से तुम्हारी मुलाकात का बंदोबस्त कराता हूं। हो दिल दे खे लगे आजे इश्क पया पी आप इस तरह बेधड़क आ जाते हैं। मैं अपनी बात का पक्का हूं, जिस काम का फैसला कर लू ना काम पूरा करके रहता। आपसे मिलने का वादा किया था तो हाजिर हो गया। हो यार यार कुल बाबा, मैं मानूर से सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करता हूं। आपको मुझे गोली मारनी है तो अभी मार दे, नौफ तक नहीं करूंगा। लेकिन मैं मानूर के बगैर नहीं रह सकता। और आप भी शादी करना चाहती हैं? अम्मा जाने का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। अगर आप ही हुक्म ना माने तो कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? अभी बेहतर है, बस जिस्म में कुछ दर्द है। ठीक हो जाए। देखो बेटा, जवानी हमने भी गुजारी है, अच्छे बुरे हालात हमने भी देखे, दोस्तियां भी निभाई हैं और दुश्मनों का मुकाबला किया, लेकिन कभी कोई बात अपने बाप से नहीं छुपी। वो हमारी खूबियां और खामियां सब कुछ जानते थे। मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि इतना बड़ा वाकया होने के बाद भी तुमने अपने बाप को अपने एतमाद के काबिल नहीं समझा। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह आपका साया हम सब पे हमेशा कायम रखे। जज्बाती बातों से मुझे मत बहलाओ। मुझे इतना अफसोस तुम्हारे जख्म देखकर नहीं हुआ जितना दुख इस बात पे हुआ कि सलामत यूसुफ जई का बेटा मार के नहीं बल्कि मार खा के आया है। तो उन लोगों ने मुझे गन पॉइंट पे अगवा किया था। अगर मेरे हाथ पैर खुले होते ना तो मैं उनको बताता कि मैं किस बाप का बेटा। तो कौन थे वो लोग बताओ मुझे? मैं नहीं जानता उनको। तुम मुसलसल मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, जानबूझकर छुपा रहे हो मुझसे। तो हाँ, मैं छुपा रहा हूं आपसे क्योंकि मैं आपको कुछ बताना ही नहीं चाहता। जिन लोगों ने मुझे अगवा किया, मुझ पे तशद्दुद किया, वो शायद ये जानते भी नहीं थे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मेरा यकीन क्यों नहीं करते? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं सबसे पहले आपको बताता।
बशीर माजी का किस्सा है पूछो, वो जिंदा है या मर गया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ आगे देखना चाहिए। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है वलीद खान, जब तक माजी का बाप बन ना हो जाए हम आगे नहीं चल सकते। तो ठीक है बीजा, एक काम करते हैं, आप मानूर की आबिद से शादी करा दें। मैं बशीर को आपके सामने पेश कर दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। नहीं वलीद खान, शर्तों पर रिश्ते बने इसका मुझे एतबार नहीं। बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूं बीजान, इस बार आपको एतबार करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मानूर आपके हाथ से छिन जाए। और छीनने वाला कोई और नहीं रिफत हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बदसात दोबारा वापस आ गई? अफसोस तो इस बात का है पीछा, इतनी अहम बात हमें गैरों से मालूम हुई। आपने तो बताना भी गवारा नहीं किया। मैंने तो सुना है कि रिफत ने हमारी पहचान पे मुकदमा कर दिया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन कुछ ऐसे बड़े फैसलों में मैं उलझी कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उस औरत की ओछी हरकतों से खौफजदा हो जाऊंगी, डर जाऊंगी? नहीं पीछा नहीं, मैं जानता हूं आपको, आप ही का जवाब पत्थर से देते हैं। शायद इसीलिए रिफत एक हफ्ते से गायब है। तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो वलीद खान? पहचान अगर रिफत के गायब होने में आपका हाथ है तो यह आपकी बात बड़ी गलत थी। आपने मुझसे कभी मशवरा तो नहीं मांगा लेकिन मैं आपको मशवरा जरूर दूंगा। इससे पहले कि आप पे मुकदमा शुरू हो जाए आप आबिद की मानूर से शादी करा दें, क्योंकि दुनिया का कोई भी कानून एक मां को अपनी बेटी वापस लेने से रोक नहीं सकता। और जहां तक बात है आपस के झगड़े की तो वो तो होते रहेंगे ईशान, अगर एक बार मानूर हाथ से निकल गए तो समझे ये जागीर आपके हाथ से निकल गई, क्योंकि रिफत अपने खावन का खून अभी तक भूली नहीं है। जान अगर ये केस री ओपन हो गया तो ना आप बचेंगी ना मैं, वली खान ही आपके काम आएगा। लेकिन अब इस औरत का सर कुचल देना चाहिए, ये नागन है और इस नागन को कुचलना जरूरी है।
रहे हो के? महल मना रहे, लाख बना ले, महल मना रहे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या? इश्क तब दे आप पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिद बना दे, जीद करा दे, यार मेरा साया, नांझण मेरा मां।